गंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। आज चित्तौड़गढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो लंबे अरसे से यहाँ की जनता की मांग थी कि चित्तौड़ में एक सेकंड एंट्री हो, जो शहर के लोगों को, जो अंदर का शहर है, पुराना शहर है, उन लोगों को नदी पार करके रेलवे लाइन क्रॉस करके इधर नहीं आना पड़े, आज उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वहाँ से बहुत सुंदर सेकंड एंट्री बनकर तैयार हो गई। वहाँ एक वेटिंग हॉल है, बुकिंग विंडो है, टॉयलेट ब्लॉक है, बहुत लंबा पैसेज है ताकि यात्री आराम से अपना टिकट लेकर वहाँ इंतज़ार भी कर सकता है और वहीं से सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकता है। बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए 3 लिफ्ट लगी है, एक बड़ा फुट ओवर ब्रिज बना है ताकि यात्रियों की आवागमन सुविधा के लिए बहुत अच्छी सुविधा आज यहाँ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर होगी। ये व्यवस्था जो की है हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है और यहाँ के संतोष साहब को धन्यवाद है। मेरा नाम प्रीति तनेजा है, मैं और विकलांग सेवा संस्था की अध्यक्ष हूँ। आज मैं माननीय सांसद साहब का, विधायक साहब का और प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी योजना ला के और हमें लिफ्ट की, एक बहुत अच्छी सुविधाएं दी जिससे हम आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। एक ज़माना था जब रेलवे स्टेशन पर गंदगी, बदबू और अव्यवस्थाओं का अंबार था, लेकिन देश में मोदी जी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आज ये रेलवे स्टेशन एक अजूबा बनने के लिए तैयार है। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय जिनके अथक प्रयासों से चित्तौड़गढ़ पे जो लिफ्ट लगी है, सबको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। माननीय सांसद महोदय को, हमारे को जो लिफ्ट की सौगात दी गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिट।